सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अंगदान क्षेत्र में भी सबसे आगे है, जहां मंगलवार देर शाम तीन अलग अलग हिस्सों में अंग प्रत्यारोपण हेतु ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस में अलग अलग अंग विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए भेजे गए। जानकारी के मुताबिक ग्राम पिपलिया लाहौर जिला देवास के निवासी खुमसिंह सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने के बाद बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर लाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों को ज्ञात हुआ कि उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है। मानव कल्याण के भाव रखते हुए परिवार द्वारा मुस्कान ग्रुप के सेवादार जीतू बगानी और संदीपन आर्य के काउंसलिंग के बाद अंगदान की सहमति दी गई, जिसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जरूरतमंदों तक अंग पहुंचाए गए। सारे लोगों ने मेरे को ये संदेश दिया था कि नहीं देना चाहिए, परंतु हमारे सभी परिवारों ने मिलकर मतलब हमने ये डिसाइड किया है, और एक डॉक्टर हैं हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर हैं अरविंद कुमार वर्मा जो एलिजर और सर्जन हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे केसेस में तो अपने को देना चाहिए। तो मैंने और भी डिसाइड लिया, फिर परिवारों से पूछा है कि क्या करना चाहिए, तो सब परिवारों ने बोला कि हमको दान देना चाहिए, ताकि हमारा जीवन तो नहीं रहा पर किसी मतलब अन्य व्यक्ति का और जीवन रह सके। परिवार का आत्मी हृदय से इतना आभार देता हूँ कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जैसा मेरा ब्रदर उसकी जो तकलीफ थी वो देखी नहीं जा रही थी, हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि अब अपना भाई इस स्टेज पे कि जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। पर जिस प्रकार से इस परिवार ने इन सब अंगों का दान करके और जो जिन सभी को जो दान मिला है और जिससे उनको जीवन दान मिला है, उसका शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं इस परिवार का मेरा पूरा परिवार इस परिवार का बहुत ऋणी रहेगा। सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन निर्माण के बाद में यह 42वां अवसर है जब खूम सिंह जी सोलंकी साहब जो पिपलिया लोहार तहसील बागली जिला देवास के रहवासी 41 वर्षीय सज्जन जिनका रोड एक्सीडेंट परसों रात को हो गया था, कल रात को ही ऐसी स्थिति थी कि उनके ब्रेन रेस्पिरेशन नहीं दिख रहे थे, उनका पहला ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफाइड हुआ। परिवार ने बहुत उदारता पूर्वक जो है इस पूरे मर्म को समझा और स्वप्रेरणा से ही अंगदान के लिए आगे आए थे। आज जो है वो अंगदान की प्रक्रिया प्रारंभ है। भगवान की कृपा से परिवार ने जो है वो आँख और त्वचा दान के लिए भी पूरा मर्म रखा है, तो मृत्यु के उपरांत उस दान की भी प्रक्रिया की जाएगी।